हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। इस पर क्लास ट्वेल्थ के वीडियो अभी तक डलते थे, अब मैं क्लास टेंथ के लिए भी बना रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, तो अभी मैं ICSE बोर्ड से शुरुआत कर रहा हूँ और उसमें जो पहला चैप्टर है GST उसका एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दो तीन वीडियो लेक्चर में आपको GST बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे मुझसे लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे उनके लिए स्पेशली यूट्यूब लेक्चर्स भी और अलग से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक GST। तो GST की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, उनके मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक वर्ड आएगा मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या होता है? जो चीज़ों को बनाता है। जैसे मैंने ये मार्कर है मेरे पास, तो ये मार्कर किसी ने बनाया होगा ना, तो वो मैन्युफैक्चरर हो गया। जैसे ये मार्कर किसने बनाया? ये सेलो ने बनाया है, तो सेलो मैन्युफैक्चरर हो गया। उसके बाद वो इसको बेचेगा, किसी डीलर को बेच सकता है, वो किसी होलसेलर को बेच सकता है। चलो होलसेलर को बेचा उसने, होलसेलर का मतलब हो गया कि एक ऐसा सेलर जो ये वाली मार्कर की क्वांटिटी बहुत सारी खरीदेगा, एक दो नहीं खरीदेगा, लाखों में खरीदेगा। और फिर वो होलसेलर जो होगा वो डीलर को, या रिटेलर भी कह सकते हैं हम लोग, डीलर को देगा। डीलर मतलब एक बड़ी शॉप जिसके पास कई आइटम होते हैं, और एक आइटम उसमें से वो मार्कर भी होगा जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है। उसके बाद लेकिन काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में होगा डीलर के पास भी। अब डीलर से कहाँ पहुँचेगा ये? डीलर से ये पहुँचेगा छोटी शॉप पर, जो स्टेशनरी की शॉप होती है, शॉपकीपर के पास, और शॉपकीपर से हमारे पास पहुँचेगा यानी कस्टमर के पास, कस्टमर या कंज्यूमर के पास। तो इतनी सारी स्टेजेस हैं कोई भी सामान अगर बनता है और फिर वो बिकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन है 10,000 रुपये का है, तो होलसेलर ने उसको खरीदा, तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे दिए होंगे? 10,000 रुपीज दिए होंगे। ठीक है, फिर होलसेलर ने वो डीलर को बेचा, तो अब होलसेलर जब डीलर को बेचेगा तो कुछ तो फायदा कमाएगा, कुछ तो प्रॉफिट वो अर्न करना चाहेगा। तो उसने क्या किया कि इसकी प्राइस जो है वो 1,000 बढ़ा दी। यानी अब डीलर जब खरीदेगा तो डीलर होलसेलर को कितने रुपये प्राइस पे करेगा? 11,000 रुपीज पे करेगा। अब फिर डीलर को शॉपकीपर को बेचना है, तो डीलर भी कुछ तो फायदा कमाएगा, भाई 11,000 तो उसने इसको दे दिए, कुछ फायदा तो कमाएगा ही। तो सपोज कर लेते हैं कि डीलर ने भी इसकी प्राइस जो थी वो 1,000 बढ़ा दी, तब शॉपकीपर को इसने सेल किया, तो शॉपकीपर ने इसको कितने रुपीज दिए डीलर को? तो शॉपकीपर ने दिए इसे 12,000। और मान लेते हैं शॉपकीपर ने भी क्या किया, 1,000 प्राइस बढ़ा करके कस्टमर को यानी हमको बेच दिया, यानी कि अब कस्टमर कितने रुपए इसको दे रहा है? ये दे रहा है इसको 13,000। तो ऐसे कई सारी स्टेजेस हैं कि प्रोडक्ट 10,000 का था, 10,000 का था, लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते वो 13,000 का मिला। इसके अलावा गवर्नमेंट हर स्टेज पर कुछ टैक्स लगाती है। वो टैक्स कैसे होता है उसको समझ लेते हैं जरा हम लोग। जैसे एक वर्ड आएगा इंटर स्टेट, तो अभी मैं इंटर स्टेट की ही बात करूंगा, सॉरी इंटर स्टेट। और एक वर्ड आएगा इंट्रा स्टेट, तो अभी मैं इंट्रा स्टेट की बात करूंगा। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया कि जो सामान है वो महाराष्ट्र में ही बना और महाराष्ट्र में ही बिका, यानी शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में हो रही है। कोई चीज यूपी में बनी और यूपी में ही बिकी, सपोज दैट लखनऊ में बनी और मेरठ में बिकी, या महाराष्ट्र में देखे तो मुंबई में बनी और पुणे में बिकी, तो वो महाराष्ट्र में ही चल रहा है या यूपी में ही चल रहा है। तो एक स्टेट में बन रहा है, वहीं से वो सारी स्टेजेस होते हुए कस्टमर के पास आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में GST की कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझ लेते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट का एक डिसाइडेड रेट होता है GST का प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जैसे मान लेते हैं जो हमारा मोबाइल है इस पे जो GST का रेट इन्होंने दे रखा है, सपोज कर लेता हूं मैं 12% GST का रेट दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 12% GST का रेट दे रखा है। तो अब इस पर GST कैसे कैलकुलेट होगा उसको बहुत ध्यान से समझो जरा। GST का रेट 12%, अगर इंट्रा स्टेट होता है
तो यानी कि स्टेट में ही बिक रहा है तो सारा टैक्स स्टेट को जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम स्टेट के ऊपर एक और गवर्नमेंट बैठी है, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को भी करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करते हैं। तो इंटर स्टेट पे जो जीएसटी होगा वो दो तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, एक सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी हम देंगे, और एक एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग जो जीएसटी देंगे। तो कितने परसेंट, अगर गवर्नमेंट करे 12% है मोबाइल पे जीएसटी का, तो कितना परसेंट इसको रहेगा, कितना परसेंट इसको। तो इंटर स्टेट में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आधा आधा जाएगा, यानी 6% जीएसटी जो होगा, 6% जीएसटी जो होगा वो सीजीएसटी में जाएगा, और 6% जो होगा वो एसजीएसटी में जाएगा। यहां जो भी जीएसटी डिसाइडेड होगा उसका हाफ हाफ हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, यानी इंट्रा स्टेट में दो पार्ट में जीएसटी जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, और हाफ ऑफ परसेंट होकर के जाएगा। अब इसको देखते हैं जरा कैसे कैसे ये जाएगा। देखो, मैन्युफैक्चरर ने चीज बना दी, उसके पास अभी पैसा नहीं, अभी तो उसने बना के रखी हुई है। पैसा किसने दिया उसे, पैसा दिया उसने उसको होलसेलर ने, तो होलसेलर ने 10,000 रुपीज दिए, साथ ही साथ जीएसटी दिया जो गवर्नमेंट ने लगा रखा है कि भाई आप ये चीज खरीद रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना होगा, तो वो टैक्स इसी के साथ प्लस हो जाएगा। तो वो टैक्स दो जगह देगा, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, चीज महाराष्ट्र में बनी है और महाराष्ट्र में ही लास्ट में जाके बिक गई है, तो इंट्रा स्टेट है, यानी वो दो जगह जीएसटी देगा, एक देगा सीजीएसटी और एक देगा वो एसजीएसटी। ये किसने दिया, ये होलसेलर दे रहा है, किसको दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। तो इस एरो को थोड़ा और लंबा बना लेते हैं ताकि यहां लिख सकूं थोड़ा मैं। तो ये हो गया बच्चों एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा। चलिए ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, मेरे पास समय कम है, यूट्यूब वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो 10,000 अच्छा ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही थी वैसे, तो 10,000 का 6% ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, यहां निकाला ना 6% कितना हो गया 600 रुपीज, और सीजीएसटी भी इतना ही जाएगा तो वो भी इतना ही निकल के आएगा 600 रुपीज। यानी कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग को टोटल कितने रुपए दिए होंगे, 10,000 दिया होगा, इतना एसजीएसटी दिया होगा और इतना सीजीएसटी दिया होगा। आपको याद होना चाहिए कि कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो टैक्स होता है वो टोटल बिल प्लस टैक्स अलग से ऐड होता है उसमें, तो टोटल बिल आपका इतने का आता है, फिर इतने टैक्स ऐड हो जाता है तो वो टोटल बिल थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये तो उसका प्राइस हो गया, उसके बाद जो टैक्स लगे, तो होलसेलर को टोटल ये चीज जो होगी वो 10,000 प्लस 600 प्लस 600 की अभी पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, डीलर ने होलसेलर को 11,000 दिए, साथ में ये भी जीएसटी देगा, तो हर स्टेज पे इसी तरह जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो यहां पर जब हम एसजीएसटी निकालेंगे और सीजीएसटी निकालेंगे तो 11,000 के 6% से निकालेंगे जो कि कितना आएगा बच्चों 660, 11,000 के 6% से निकालेंगे तो इतना आएगा, यानी डीलर ने होलसेलर को कितने दिए 11,000, इतना एसजीएसटी और इतना सीजीएसटी दिया। उसके बाद देखिए शॉपकीपर ने डीलर को दिए 12,000 रुपीज, तो शॉपकीपर ने कितना सीजीएसटी और जीएसटी दिया वो भी देख लेते हैं जरा। तो 12,000 का दिया, तो एसजीएसटी कितना दिया उसने 12,000 का 6% यानी 720, और सीजीएसटी कितना दिया उसने, इतना ही होगा क्योंकि दोनों इक्वली होते हैं, ये हो गया, ठीक है बच्चों। फिर कस्टमर ने शॉपकीपर को 13,000 रुपीज दे दिए, कस्टमर ने शॉपकीपर को 13,000 रुपीज दिए, तो इसने कितना एसजीएसटी और सीजीएसटी दिया होगा, तो इसने दिया एसजीएसटी कितना इसका 6% यानी 780, और सीजीएसटी बच्चों इसने कितना दिया वो दिया 780, ठीक। अब इसमें देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला सवाल तो इसमें बनता है कि कस्टमर को ये आइटम कितने रुपए का पड़ा, वो जो मोबाइल था 10,000 रुपए का वो उसे कितने का पड़ा, तो उसको पड़ा कितने का 13,000 प्लस 780 प्लस 780, इतने रुपए का पड़ा।
पूछेगा कि शॉपकीपर को कितने का पड़ा, तो शॉपकीपर ने कितने रुपए दिए डीलर को, 12,000 प्लस 720 प्लस 720, ठीक है। तो इस तरीके से हर स्टेज पे हम ये निकाल सकते हैं कि किसको वो आइटम कितने रुपए का पड़ा, किसके लिए क्या कॉस्ट प्राइस पड़ी। अब एक बात और देखिए, मैंने तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस बना दी, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में बनाई है। आपके जनरली जो सवाल होगा वो 3 स्टेजेस का होगा, मैक्सिमम 4 स्टेजेस का होगा, तो मैं एक बड़ा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बस जब ये हमने जीएसटी सब इकट्ठा कर भी लिया है सारा, यानी 600 यहाँ भी इकट्ठा कर रखा है हम लोगों ने, उसके बाद ये सब भी इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब दो तरह की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो वो कैसे कैसे जाएगा जरा उसको हम लोग सीखते हैं। चलिए देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स कलेक्ट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जाता है खूब सारा, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन देखिए। तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर के पास जितना भी एसजीएसटी आया है वो टोटल चला जाएगा, यानी 600 रुपीज चला गया मैन्युफैक्चरर से। होलसेलर कितना देगा, तो होलसेलर के पास ये अमाउंट आया था, कितना स्टेट जीएसटी है 660, लेकिन ऑलरेडी वो 600 इसको दे चुका था, ये वाला, ये किसने दिया, इसी ने तो दिया, ऑलरेडी दे चुका है, तो वो 660 नहीं देगा, ये कितना देगा, ये देगा 660 माइनस 600, यानी कितना देगा, केवल 60 रुपीज देगा, ठीक है। इसी तरह जब ये देगा तो ये पूरा 720 नहीं देगा स्टेट वाला टैक्स, ये जो स्टेट वाला इसका टैक्स है ये पूरा 720 नहीं देगा, ये स्टेट में 660 तो पहले दे चुका है ना, तो कितना देगा आपकी बार, 720 माइनस 660 यानी कि 60 देगा। इसी तरीके से जो कस्टमर ने शॉपकीपर को दिया है, तो अब शॉपकीपर पे करेगा, तो शॉपकीपर कितना एसजीएसटी पे करेगा बच्चों, 780 पे नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, वो 720 तो पहले ही दे चुका है, तो कितना करेगा, 780 माइनस 720 अपॉन 60, यानी इतना टैक्स पे करेगा, यानी पहले वाले से तो पूरा पूरा अमाउंट जो होगा वो टैक्स का चला जाएगा और बाकी जगहों से माइनस कर करके जाएगा। फिर आप पूछेंगे, सर इसको टैक्स जो है वो 1, 2, 3, 4 जगह से आया, ये वाला टैक्स जो है वो किसने दिया है बच्चों, ये वाला जो टैक्स है बच्चों वो किसने दिया है, मैन्युफैक्चरर ने दिया है। ये वाला जो टैक्स है बच्चों ये किसने दिया है, ये होलसेलर ने दिया है। ये वाला टैक्स जो है बच्चों ये किसने दिया है हमको, ये डीलर ने दिया है, ये डीलर ने दिया है। और ये वाला किसने दिया है बच्चों, ये शॉपकीपर ने दिया है। आप सोचोगे कि डीलर का है तो यहां से आना चाहिए था, नहीं, शॉपकीपर ने डीलर को पैसे दिए हैं ना, तो वो एरो ये बना हुआ है, शॉपकीपर ने डीलर को पैसे दिए, वो एरो ये बना हुआ है, तो ये है वो डीलर का कॉलम, ठीक है। ये वाला कॉलम किसका है बच्चों, डीलर ने दिया होलसेलर को, तो ये वो वाला कॉलम बना हुआ है, तो ये कॉलम बना हुआ है हमारा किसका, ये बना है होलसेलर का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह कस्टमर ने दिए शॉपकीपर को, तो ये एरो बना है, तो ये वाला जो बॉक्स बना है ये किसका बना हुआ है बच्चों, ये शॉपकीपर का बना है, क्योंकि कस्टमर ने इतना शॉपकीपर को दे दिया, ये अब शॉपकीपर इधर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब शॉपकीपर जब देगा तो कितना देगा, 780 माइनस 720 यानी 60 रुपीज देगा। फिर आप सोचेंगे क्या कस्टमर भी देगा, नहीं, कस्टमर नहीं देता है, कस्टमर एसजीएसटी सीएजीएसटी नहीं देता है। कस्टमर जो प्राइस वहां दे चुका है ना, ये इतना टोटल प्राइस जो दे चुका है वो किसको दिया है, शॉपकीपर को दिया, अब शॉपकीपर जीएसटी देगा, ठीक है, कस्टमर जीएसटी नहीं देता। हम लोग जैसे बाजार से कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं हम लोग आटा खरीदने गए, ठीक है, वो 320 रुपीज का हमको मिला 10 kg सपोज, ठीक, अब आप 320 तो देते हो, उस पर जो MRP होती है वो भी 320 की होती है, 320 प्लस GST नहीं देते हो, ठीक है। हम लोग फिर टैक्स कैसे देते हैं गवर्नमेंट को, तो हम लोग तो इनकम से अपनी टैक्स देते हैं ना, तो हम लोग उस तरह से देते हैं, हम कस्टमर जो होता है ये वाला पार्ट जो, ये GST कितना होता है, 0। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना आ गया, 600 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, ये आ गया स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि आप बताइए कि होलसेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, तो 600 दिया। आपसे पूछ सकता है कि होलसेलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, तो 60 दिया। डीलर ने कितना दिया, 60 दिया। शॉपकीपर में कितना दिया, 60 दिया। अब एक बात और समझते हैं, एक होता है आउटपुट जीएसटी, इसी में है आउटपुट जीएसटी, और एक होता है इनपुट जीएसटी।
तो आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो कलेक्टेड होता है, जो हमारे पास आ रहा है कलेक्टेड वाला, ठीक है। और इनपुट जीएसटी वो होता है जो हम लोग पे कर रहे हैं, यानी पेड वाला। तो यहां देखो, यहां देखिए, जैसे हम लोग बात करें डीलर की बात करें, तो डीलर के पास कलेक्टेड कितना है, कलेक्टेड जो आ रहा है डीलर के पास वो कितना आ रहा है, 720 आ रहा है ना। तो 720 क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये 720 क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। माइनस ये 660 जितना उसने पे किया, किसको, गवर्नमेंट को नहीं, जितना उसने अपने अगले स्टेज को पे किया, तो वो होता है इनपुट। तो इनपुट माइनस, सॉरी आउटपुट माइनस इनपुट आप जब भी करेंगे तो आपको जो टैक्स मिलेगा वो गवर्नमेंट को जाएगा। समझ गए आप लोग, आउटपुट माइनस इनपुट कहीं किसी का भी करेंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे शॉपकीपर ने कितना रुपए गवर्नमेंट को दिया, तो शॉपकीपर के लिए आप क्या करिए, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटपुट का मतलब है कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब इसके पास कितना आया। तो कितना आया इसके पास, 780 आया, केवल स्टेट की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 780 आया माइनस इनपुट कितना, जितना इसने पे किया, किसको, अपने आगे वाली स्टेज को। तो शॉपकीपर ने इसको कितना पे किया था बच्चों, 720 पे किया था, तो ये आ गया हमारा 60। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल का आपको निकालना है कि उसने गवर्नमेंट को कितना दिया, तो कैसे निकलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट। ये सारा काम हमने स्टेट गवर्नमेंट का किया, और यही सेम काम जो होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, वो भी बताता हूँ, आप ध्यान से नोट करते रहिए जरा साथ ही साथ इसको। तो बच्चों देखते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया, सीजीएसटी कितना आया। चलिए तो देखिए, मैन्युफैक्चरर के पास जितना होगा वो सारा का सारा सीजीएसटी, गवर्नमेंट को आता है सीजीएसटी नहीं बच्चों, यहां होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कितना देगा, ये पूरा पूरा दे देगा। इसके पास कितना आया था बच्चों, इसके पास आया था 600, कितना आया था 600, तो ये पूरा पूरा दे देगा 600। फिर होलसेलर कितना देगा, ये था मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर कितना देगा, तो होलसेलर अभी मैंने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही, कैसे निकलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, कलेक्टेड। तो इसके पास आया कितना है, 660, केवल अब सीजीएसटी में देखना आया कितना है। आया का मतलब देखो, इसने दिया ना, वो तो डीलर ने दिया है ना इसको ये पैसा, इसलिए एरो ऐसे बना है, और एरो के नीचे ये बना है कि डीलर ने होलसेलर को दिया इतना अमाउंट, तो इतना इसके पास आया। और इसने कितना दिया था, इसका एरो ये, तो इसने कितना दिया था, 600। तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो 660 माइनस 600 यानी कितना देगा, 60 देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे कि डीलर कितना देगा, कि डीलर कितना अमाउंट देगा, तो डीलर का भी आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट का मतलब कलेक्टेड, तो कलेक्टेड कितना है, 720, और इनपुट कितना है, यानी जितना इसने पे किया, तो डीलर ने कितना पे किया था, 660, तो माइनस 660 कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया डीलर का। फिर आ गया हमारे पास शॉपकीपर ने कितना पे किया गवर्नमेंट को, तो शॉपकीपर के लिए देख लीजिए आप लोग, आउटपुट माइनस इनपुट, तो आउटपुट जीएसटी जितना इसने कलेक्ट किया, कलेक्ट कितना किया, 780 माइनस जितना इसने पे किया, पे कितना किया था, 720, तो इसका भी कितना आ गया, यानी ये आ गया 60। तो कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इकट्ठे हो गए, टोटल 600 यहां से मैन्युफैक्चरर से, उसके बाद 60 होलसेलर से, फिर 60 आपका डीलर से, और 60 आपका शॉपकीपर से। और जो कस्टमर होता है, जो लास्ट बायर होता है, जो भी लास्ट बायर होगा, अगर ये मान लो चेन यहां खत्म हो गई होती, तो फिर ये नहीं पे करता, ठीक है, लास्ट बायर कभी नहीं पे करेगा, तो ये हो जाता 0। तो इस तरीके से हम लोग पूरी जीएसटी इंट्रा स्टेट में, यानी एक ही स्टेट में बन रहा है, एक ही स्टेट में सामान बिक रहा है, तो पता कर सकते हैं किसने कितना टैक्स दिया, किसने कितने अमाउंट का खरीदा। ये सब देखो इस डायग्राम में मौजूद है, सारा मौजूद है टोटल, ठीक है। और अभी तो जब सवाल करेंगे तो जितनी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं ये हमें लैंग्वेज में लिखनी पड़ेंगी, वो भी लिखना आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये कैलकुलेशन जल्दी से करके रख लीजिएगा ऊपर, और फिर हम लोग लिखा करेंगे, तो बहुत जल्दी होगा सवाल। तो आई होप ये वीडियो आपका समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर 2-3 सवाल करेंगे, सवाल में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा मार्क में भी आता है बोर्ड में, और आता भी ज़रूर है, कंपलसरी है एकदम, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा।